Hello class 11th. In this video, we are going to discuss about the next topic, that is cell wall. So cell wall, जैसे कि प्रीवियस हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, उसमें हमने पढ़ा था अबाउट द फंजाई एंड सम इन केस ऑफ प्लांट. कुछ ऐसा एक सेलुलर स्ट्रक्चर है जो कि आपको एक शेल के ऊपर दिखा देता है. ऑल्सो जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो कैसा, एक रिजिड एक हार्ड स्ट्रक्चर वहाँ पर मौजूद है जो कि एक आउटर कवरिंग को फॉर्म करता है. सी प्लांट के केस में पढ़ा हुआ था कि कोई एक स्ट्रक्चर है, एक रिजिड स्ट्रक्चर है, इसको एक बहुत कठोर या ठोस स्ट्रक्चर है जो कि इसके ऊपर मौजूद है. और वो कहाँ पे मौजूद होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक आउटर कवरिंग है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिजिड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर. तो इसी स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोला जाता है. और ये कहाँ पे मौजूद है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर कवरिंग, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी एक आउटर लेयर के फॉर्म में मौजूद होता है. सेल वॉल का काम क्या है, सेल वॉल का सिर्फ वर्क इस शेल को एक शेप प्रोवाइड करना नहीं है. बिकॉज ये जो सेल वॉल है, यहाँ पर आपको एक लिक्विड फ्लूइड मिलेगा जीनस क्लेस ऑफ साइटोप्लास्ट, जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स मौजूद हैं. सो जो ये सेल वॉल है, जो इसके चारों तरफ एक कठोर एक हार्ड स्ट्रक्चर बनाती है, जिससे इसको एक प्रॉपर शेप मिलता है. तो इसका जो मेन फंक्शन, इसको एक शेप प्रोवाइड करना तो है ही, इसके साथ साथ जो हमारी सेल है उसको प्रोटेक्ट करने का, उसे किसी डैमेज से या इन्फेक्शन से बचाने का भी जो काम होता है वो सेल वॉल ही करती है. बिकॉज ये जो हार्ड लेयर है, इससे क्या होगा कि कभी अगर सेल डैमेज हो जाती है या कुछ चीज़ें हैं वो सेल में किसी तरीके से टूट जाए या कुछ भी प्रोसेस होती है, तो ये सब चीज़ों को बचाने के लिए वहाँ पर सेल वॉल मौजूद है, जो कि हमारे एक सेल को, साइटोप्लाज्म को, सेल ऑर्गेनल्स को डैमेज और इन्फेक्शन से प्रोवाइड कराती है. ऑल्सो सेल टू सेल इंटरेक्शन के लिए भी एक बैरियर का वर्क करती है. दैट मींस, जैसे कि प्रीवियस हमने बताया भी है कि बहुत सारी सेल्स मौजूद होती हैं इनसाइड द बॉडी. सो ये दो सेल्स हैं और इनके बीच में कुछ कनेक्शन है, या इनके बीच में जो भी फ्लूइड्स हैं अगर वो ट्रांसफ़र होंगे, सो वहाँ पर जो इंटरेक्शन है, दैट मीन्स सेल टू सेल इंटरेक्शन को प्रोवाइड करने के लिए भी जो जो सेल वॉल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट, ऑल्सो जो अनडिज़ायरेबल माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अनडिज़ायरेबल्स हैं, जो उन्हें नहीं यूज़ करने हैं, तो उन्हें भी, उन अनडिज़ायरेबल माइक्रोब्स के लिए भी एक बैरियर का वर्क करता है, जिससे कि वो क्या कर सकता है, इस सेल से बाहर जा सके. इन केस ऑफ एल्गी, जो सेल वॉल है वो सेल्युलोस, गैलेक्टेस, गैलेंटांस और मैन्यूस की बनी होती है, मिनरल्स की बनी होती है, मैनास एंड सब मिनरल्स की मिलके बनी होती है. लाइक कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, वैसे कुछ अदर प्लांट्स हैं जहाँ पर जो ये सेल वॉल है वो सेल्युलोस या हेमी सेल्युलोस, पैक्टीन्स या प्रोटीन्स की मिलकर बनती है. सो इन केस ऑफ एल्गी ये कैसी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की मिलकर बनी होती है. बाकी अदर प्लांट्स में आपको सेल्युलोस और सेल्युलोस के जो टाइप्स हैं, यानी कि हेमी सेल्युलोस, पैक्टीन्स, प्रोटीन्स की मिलकर ये सेल वॉल फॉर्म होती है. सेल वॉल एक्चुअली ये क्या है, जब सेल वॉल, जो सेल है हमारी वो स्टार्टिंग की एज में होती है, एक यंग प्लांट सेल है, तो इस यंग प्लांट सेल में जो अभी ग्रोथ कर रहा है उसमें ये सेल वॉल प्राइमरी वॉल्स का काम करती हैं और क्या करती है, ग्रोथ में हेल्प करती हैं, जिनमें क्या हो सके, कैपेबल फॉर ग्रोथ लिखा हुआ है, मतलब वो ग्रोथ में क्या कर सकते हैं, हेल्प कर. सो जो प्राइमरी वॉल्स होती हैं उनमें क्या होती है, ग्रोथ होती है, ग्रोथ करने की वजह से वो प्राइमरी वॉल्स आगे जाकर क्या होंगी, डेवलप होती जाती हैं. एंड ग्रेजुअली वो जैसे ही डेवलप होती जाती हैं, डायमीटर्स में कन्वर्ट होती जा रही हैं, तो जो प्राइमरी वॉल्स होती हैं वो मैच्योर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं एंड न्यू सेल फॉर्म होती है, जिन्हें हम सेकेंडरी वॉल्स बोलते हैं. और ये जो प्राइमरी वॉल्स हैं ये सेकेंडरी वॉल के टूवर्ड साइड हो जाती है, अंदर के साइड वहाँ पर हो जाती है, इनर साइड में. दैट मींस ये कैसी थी, एक प्राइमरी सेल वॉल थी. अभी क्या होगी, अभी ये ग्रोथ कर रही है, तो ग्रोथ करने के बाद ये और ग्रोथ करने लगती है और एक और न्यू, एक मैच्योर सेल इसकी तरफ बन जाती है. तो ये कैसी वॉल बनी है, वो सेकेंडरी वॉल है, एक मैच्योर वॉल है, और जो स्टार्टिंग की मेम्ब्रेन थी या स्टार्टिंग की जो सेल वॉल स्ट्रक्चर था वो इनर साइड में चला जाता है. ये कुछ इस तरीके से इनर साइड में वो आ गया है और ये कैसा हो जाता है, इन साइड हो गया है, अंदर की तरफ चला जाता है, एक लेयर की तरह, एक फाइन लेयर की तरह ये बन जाती है, ठीक है. और जो आउटर लेयर है वो हार्ड हो जाती है, बिकॉज वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डेवलप होती जा रही है. ऑल्सो एक मिडल लैमेला मौजूद होता है, ठीक है,
कैल्शियम पेप्टेज का एक मिडल लैमेला मौजूद होता है, और ये क्या करता है, डिफरेंस क्रिएट करता है किसके बीच में, बिकॉज यहाँ पर सेल वॉल है, सेल वॉल के बाद आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई देगी, तो सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को होल्ड करके रखने के लिए और एक दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करने के लिए एक छोटी सी मिडल लैमेला होती है जो कि कैल्शियम पेप्टेट की बनी होती है, जो कि क्या करती है, इन दो नेबर सेल्स को, जो आपस में जो दो नेबर सेल्स हैं उनको क्या करती है, आपस में जोड़ के रखती है जिस तरीके से, और ऑल्सो जिस तरीके से यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ का कनेक्शन बताया गया, वैसे ही जो अदर सेल्स होती हैं, जो नेबर सेल्स है उसकी, फॉर एग्जांपल ये एक सेल वॉल और एक उसके बाद में एक और सेल वॉल होती है, तो बहुत सारी सेल वॉल्स हैं तो पास पास भी हो सकती हैं, बहुत सारी हैं, तो उनके बीच में एक डिफरेंस बनाए रखने के लिए एक वहाँ पर लैमेला मौजूद होता है, जो कि पहले तो दो जो सेल्स होती हैं उनको आपस में ज्वाइन करके रखता है, दो नेबर सेल्स को आपस में वो ज्वाइन करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो सेल वॉल, जैसे मैंने आपको बताया, जो सेल वॉल है, सेल वॉल के बाद एक जो मिडल लैमेला मौजूद है जो कि दो वॉल्स के बीच में कनेक्शन का काम करते हैं, उनको जोड़कर रख रहे हैं, इसके साथ साथ जो भी साइटोप्लाज्म में प्लाज्मोडिस्मेट्स पर मौजूद हैं, यहाँ की जो प्लाज्मा के जो मेम्ब्रेन्स हैं, प्लाज्मिक स्ट्रक्चर हैं या साइटोप्लाज्म जो मौजूद है, एक सेल के साइटोप्लाज्म को दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करने का काम, ऑल्सो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या प्लाज्मोडिस्मेटा हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम भी कौन करता है, और मे बी जो ट्रांसफरेबल मटेरियल से जो ट्रांसफ़र हो सकता है उसे एक सेल से दूसरे सेल तक ट्रांसफ़र करने का भी काम हम बाय द हेल्प ऑफ सेल वॉल करते हैं। ऑल्सो एक बात आप याद रखेंगे कि जो सेल वॉल है आपको प्लांट केस में बहुत क्लियर देखने को मिलेगा, इन एनिमल सेल आपको सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम। कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पर मौजूद हैं जिनके स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए हैं, तो बहुत सारी ऐसे फंक्शंस हैं हमारी सेल में जो परफॉर्म होते हैं। पहले तो ये सारे ऑर्गेनल्स कैसे, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इन सब पे एक मेम्ब्रेन यहाँ पर मौजूद होती है, ऑल्सो दे हैव देयर डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फंक्शन, और बहुत से कुछ ऐसे हैं जो कि टुगेदर यानी कि एक साथ ही फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, और उन्हें हम इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर रखते हैं, क्यों, बिकॉज ये इन सब का फंक्शन क्या है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट है, एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा जुड़ा हुआ है, जैसे अभी आप देखेंगे सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो फंक्शन परफॉर्म करता है उससे कुछ ना कुछ मिलता जुलता काम, या कि उससे जुड़ा ही काम कौन करता है, गॉल्गी बॉडी करती है, गॉल्गी बॉडी से मिला जुला काम जो आगे राइबोसोम्स आपको दिखाई देंगे कुछ इस तरीके से वर्क होता है। सो जो ऐसा सिस्टम है जो एक ही वर्क को कोऑर्डिनेट फॉर्म में करते हैं, आधा काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है, नेक्स्ट वर्क गॉल्गी बॉडी है, नेक्स्ट इस तरीके से क्या करते हैं, एक टुगेदर वर्क परफॉर्म करते हैं, इसीलिए हम इन्हें इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं, जिसके एग्जांपल भी यहाँ पे बताया गया। और इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में हम किन किन को इंक्लूड करते हैं, तो फर्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड सम वैक्यूल्स ऑल्सो प्रेजेंट इन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, बट देयर आर सम अदर सेल ऑर्गेनल्स, दे डू नॉट प्रेजेंट इन दिस सिस्टम। कुछ ऐसे भी सेल ऑर्गेनल्स मौजूद हैं जो कि इस सिस्टम में प्रेजेंट नहीं है, बट दे हैव सम वर्क, उनके पास भी उनका कुछ पर्सनल वर्क दैट मीन्स कोई इंपॉर्टेंट वर्क है जो कि वो सेल में करते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोनोक्साइट्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये क्या करते हैं अपने कुछ कोऑर्डिनेट कुछ वर्क ज़रूर करते हैं, बट दे आर नॉट कोऑर्डिनेट टू ईच अदर। कौन कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, दीज आर सम अदर स्ट्रक्चर, दे हैव मेम्ब्रेन, उनके पास ही मेम्ब्रेन होती है, बट ये कोऑर्डिनेट होके वर्क नहीं कर रहे, सबका अपना एक यूनिक वर्क है जो कि आपको यहाँ पर बताया जा रहा है, और क्योंकि सब अपना अपना अलग वर्क परफॉर्म कर रहे हैं इसलिए इन्हें इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर नहीं रखते, बट येस दे हैव सम वर्क। नेक्स्ट हम यहाँ पर जो आप फर्स्ट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक से स्कोप से एक यूकैरियोटिक सेल का हमने प्रॉपर व्यू देखा, प्रॉपर स्टडीज की उसके बारे में, तो एक नेटवर्क या एक रेटिकुलर टिनी ट्रिब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पर दिखाई देते जो साइटोप्लाज्म में कैसे होते फैले हुए दिखाई देते। सो दैट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलेट ऑफ टाइनी ट्रिब्यूल्स कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं जो पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में रहते हैं। इन टाइनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
जो यहाँ पर मौजूद है, जो इस तरीके से आपको यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के बाहर ये जो पोर आपको दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड जो लेयर होती है वो न्यूक्लियस लेयर है। उसके बाद ये कुछ पोर्स ओपनिंग दिखाई दे रही है जिन्हें हम न्यूक्लियस पोर बोलते हैं। इसी न्यूक्लियस से अटैच एक फ्लैट स्ट्रक्चर, ऑल्सो कुछ टाइनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आपके जो दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कहाँ के यहाँ पर जुड़े होते हैं, आपके जो न्यूक्लियस से उससे वो अटैच होते हैं। कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको न्यूक्लियस से अटैच नहीं है, लेकिन आपको सेल्स में दिखाई ज़रूर देंगे। एंड बहुत मैक्सिमम जो क्या पोर्शन होता है वो सेल से अटैच होता है, एक अटैच पोर्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको उनके जो लेयर है, बिकॉज एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक बहुत टाइनी ट्यूबलेस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट एक ऐसा पार्ट है जो उसका, उसे हम ल्यूमिनाई कहते हैं, जुमिनल बोलते हैं, इनसाइड का जो पोर्शन होता है, दैट मींस ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो आप उसके अंदर का इनसाइड पोर्शन देख रहे हैं उसे हम ल्यूमिनन बोलते हैं। एंड वही जो नेक्स्ट ऐसा पोर्शन जो कि साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड है, बिकॉज इनसाइड जो रीजन है वो तो उस माइट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रीज़न है, बट उसके आउटर का जो रीज़न है वो किससे अटैच होगा, ऑफकोर्स साइटोप्लाज्म में, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही सारे सेल ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। तो जो पोर्शन साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है उसे हम एक्स्ट्रा ल्यूमिनन बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर दो पोर्शन या फिर दो प्रपोर्शन यहाँ पर मौजूद है, कंपार्टमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। अदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पर कुछ डिफरेंस आपको शो होगा, वो डिफरेंस क्या है कि इनमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ऑन देयर आउटर सर्फेस, बट देयर आर सम ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे एंडोप्लाज्मिक आपको एरिया दिखाई देगा जहाँ पर ये राइबोसोम्स मौजूद नहीं है। तो वो एरिया या वो सरफेस जहाँ पर ये राइबोसोम्स मौजूद होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो सरफेस जहाँ पर राइबोसोम्स मौजूद है उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। एंड ऐसे एरिया जहाँ पर किसी भी तरीके का आपको राइजोसोम्स देखने को नहीं मिलते तो उन्हें हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। सो अगर हम एग्जांपल्स यहाँ पर देखें, जो फिगर इन्होंने दिया हुआ है इसमें अगर आप ये देखें तो ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपको ये डॉट 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 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, कुछ इन्हीं डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स, और इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर क्या बोला जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ से आपको ये बात याद रखनी है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम्स आपको दिखाई देंगे या कुछ ग्रेन्यूल्स स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर को दिखाई दे रहे हैं, तो दे आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट वो पोर्शन जैसे ये आपको कुछ दिखाई दे रहा है जहाँ पर कोई भी राइबोसोम्स आपको मौजूद नहीं दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स होते हैं, उनका बेसिकली वर्क क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का वो वर्क करते हैं। तो जहाँ पर आपको ये राइबोसोम्स लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, दैट मींस जो पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। ओके, सो जैसे इसके आगे यहाँ बताया भी गया है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक्टिव साइल्स होती हैं, एक्टिव सेल्स होती हैं, और बेसिकली हेल्प क्या करती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती हैं। प्रोटीन का सिंथेसिस, उनका सिक्रीशन, इन दोनों में ही क्या करती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करती हैं। बेसिकली ये क्या करती हैं कि जो एरिया है किसका, जो मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसको क्या करती है, इंटेंस करती है, और कंटिन्यूसली वहाँ पर क्या होती रहती है, एक कंटिन्यूएशन बनी रहती है, और कंटिन्यूएशन में यहाँ पर जो प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस है वो होती है। एंड वो कैसी है, एक्सटेंसिव है, ऑल्सो कंटिन्यूएशन के जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि जो न्यूक्लियस है इसके मेम्ब्रेन से कंटिन्यूएशन में एक लगी हुई स्ट्रक्चर होता है, उसी कंटिन्यूस स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखाई देगा, न्यूक्लियस से लगा हुआ एक स्ट्रक्चर, उसी में आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलते हैं। नाउ अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस करती है तो जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका भी कुछ वर्क होगा। तो जो प्रोटीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसका जो मेजर फंक्शन है वो है फॉर्मेशन और सिंथेसिस ऑफ लिपिड। ये आप याद रखिए, बिकॉज राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ये आपको बहुत जगह देखने को मिल जाएगा, बिकॉज जो हम अभी राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे भी मेंशन किया जाएगा कि राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। बट जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या जिन्हें हम SER बोलेंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो लिपिड का सिंथेसिस करते हैं, लिपिड को फॉर्म करते हैं इन एनिमल सेल। सो जो एनिमल सेल में कुछ लिपिड के स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे स्टेरॉयडल स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं, उनका जो सिंथेसिस है वो SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होता है। तो
तो हमने यहाँ पे पहले सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ा अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें दो पार्ट पढ़े आपने, रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वो रफ क्यों कहते हैं, स्मूथ क्यों कहते हैं, उनका क्या पार्ट है, क्या वर्क है, ये हमने यहाँ पर कवर किया।